हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ओके, तो चैनल की जो लेंथ है वो हमारी चेंज होगी और उसकी वजह से हमारे ड्रेन करंट में क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने लास्ट जो लेक्चर्स में डेरिवेशन किए ड्रेन करंट का, जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया फॉर ट्रायोड रीजन, फॉर सैचुरेशन रीजन, तो अगर हम सैचुरेशन रीजन की बात करें तो सैचुरेशन रीजन के लिए आपका जो ड्रेन करंट होता है आईडी, तो ये रिलेशन कहता है कि वो डिपेंडेंट नहीं होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आईडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वीडीएस। ओके, सो वो वीडीएस के साथ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपको इस रिलेशन में ये यहाँ पर वीडीएस कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो ये हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी सैचुरेशन रीजन के लिए, ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये शो करता है कि जो आपका ये करंट सोर्स है, जो आपको ये आईडी करंट मिल रहा है, तो ये एक आइडियल करंट सोर्स है और जिसकी जो वैल्यू है वो वीजीएस से कंट्रोल हो रही है और वीडीएस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी कवर करी, हम इसको ड्राइव कर चुके हैं। ओके, बट अब हम यहां देखेंगे और अभी जो हम ड्राइव करेंगे, जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, वहां हम देखेंगे कि ये जो ड्रेन करंट है, ये जो आपका आईडी है, ये आईडी वीडीएस पे डिपेंडेंट होता है। तो अभी तक हमने इस सैचुरेशन करंट के लिए या इस सैचुरेशन कंडीशन में जो करंट की वैल्यू पड़ी और हमने कहा कि जो भी करंट सोर्स होता है इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है आर आउट, वो इन्फिनिटी होता है। और हमने लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट, आउटपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। तो हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि जो करंट सोर्स के साथ जो आउटपुट इम्पीडेंस होगा वो इनफाइनाइट नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू होती है और वो वैल्यू क्या होती है ये हम फाइंड आउट करेंगे। और देन हम अपने स्मॉल सिग्नल मॉडल में एक रेसिस्टेंस ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे कि दिस इज दी आउटपुट रेसिस्टेंस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने आपको समझाया। तो सिंपली इसका कहने का मतलब ये है कि चैनल की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, उससे जो करंट पे चेंजेज आएंगे, आईडी की वैल्यू जो चेंज होगी वो हम यहाँ पे बेसिकली ड्राइव करके देखेंगे। ओके, जब हम मॉस्फेट की वर्किंग पढ़ रहे थे या जब हम उसका ऑपरेशन पढ़ रहे थे, तो हमने ये कहा था कि जब हम सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं, सोर्स से जब हम ड्रेन की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। और हमने कहा था कि जब हम ड्रेन टर्मिनल पहुंच जाएंगे तो वो वीडी होगी और गेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वीजी होगा, तो वीजी माइनस वीडी जो होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाता है। और उसके लिए हमने फिर कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करी थी, VDS is less than VGS minus VT, VDS is greater than VGS minus VT, और उन दो रीजन्स को हमने ट्रायोड रीजन में और सैचुरेशन रीजन में डिवाइड किया था। ओके, सो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि जब गेट वोल्टेज मीन्स VG minus VD less than VT है, अगर गेट माइनस ड्रेन वोल्टेज, ड्रेन टर्मिनल वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर कम होगा, तो डेफिनेटली ड्रेन के अक्रॉस कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और आपका जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है सैचुरेशन रीजन में। क्लियर? लेकिन यहां पर हम उसी फिगर को दोबारा हमने बनाया है और हमने ये कहा कि सपोज आपकी जो चैनल की लेंथ थी वो L थी, और जब आपका चैनल ब्रेक, चैनल जो है वो ब्रेक हो गया या पिंच ऑफ हो गया, तो जो डिस्टेंस कम हुई वो डेल्टा L थी। यानी अब आपका जो नया चैनल जो फॉर्म है, जो चैनल अवेलेबल है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L माइनस डेल्टा L। ओके, सो जो अभी जो चैनल अवेलेबल है आपका VDS सैचुरेशन इक्वल टू VG माइनस VT पे, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, L माइनस डेल्टा है। तो इफेक्टिव जो चैनल लेंथ चेंज हुई वो आपकी डेल्टा एल हुई। क्लियर? तो अब हम
जो हमारा ये सेचुरेशन रीजन का जो ड्रेन करंट है, इसमें हम एल की जगह एल माइनस डेल्टा एल पुट करते हैं। सो आई थिंक अभी तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने कहा उसको समराइज वे में अगर हम समझें तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चैनल लेंथ पहले एल थी, वो चैनल पिंच ऑफ होने की वजह से अब कितनी रह गई, एल माइनस डेल्टा एल। तो इसमें तो आई थिंक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, तो आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि एल की जगह मुझे एल माइनस डेल्टा एल लेना है। तो मैं अपने ड्रेन करंट में जो भी मेरा आईडी करंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट आईडी इक्वल टू 1/2 के डैश एन डब्ल्यू डिवाइड बाय एल माइनस डेल्टा एल, ओके, इंटू वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। क्लियर? सो आई थिंक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई करें अगर, तो मैं एल को कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। क्लियर? सिंपल है, एल मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। ओके, अब अगर मैं इसको पढ़ूँ और मैं इसको अगर x मान लूँ तो 1/1 माइनस एक्स, यही है कुछ, इसको मैं ले सकता हूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। क्लियर? और अगर मैं एज्यूम करूँ कि आपका जो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल है इट इज लेस देन 1, सो मैं इसे क्या ले सकता हूँ, मैं इसे ले सकता हूँ 1 प्लस एक्स। क्लियर? सो अगर हम यही सारे पॉइंट्स को यहाँ फिगर में इस जगह पे लिखें तो हम क्या ले सकते हैं इसे, दैट इक्वल टू 1/2 के डैश एन डब्ल्यू बाई एल 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। क्लियर? ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब ये डेल्टा एल कैसे चेंज हो रहा है, डेल्टा एल की अगर मुझे वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो चैनल पहले यहाँ बन रहा था अब अगर वो कुछ और पास बने तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ गई। कैसे बढ़ी, जब आपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, यानी कि ज़्यादा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया। दिस मीन्स जो आपका डेल्टा एल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो आपका जो डेल्टा एल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वीडीएस के। हम इसे एक कांस्टेंट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम इसे लिख देते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा डैश इंटू वीडीएस। क्लियर? लैम्डा डैश इंटू वीडीएस, वेयर लैम्डा डैश इज अ प्रोसेस पैरामीटर। सो लैम्डा डैश इज प्रोसेस पैरामीटर और इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट माइनस वन, मीन्स 1/V। क्लियर? इट्स डायमेंशन इज V-1, V-1। ओके, सो सिंपल इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 डब्ल्यू बाई एल 1 प्लस लैम्डा डैश वी डी एस डिवाइड बाई एल वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। सिंपल। ओके, सो ये हो गया आपका आईडी। सो आईडी इक्वल टू 1/2 के एंड एस डब्ल्यू आई एल 1 प्लस लैम्डा डैश इंटू वी डी एस डिवाइड बाई एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी होल स्क्वायर। लैम्डा डैश एक कॉन्स्टेंट है, एल आपका फिक्स है क्योंकि पहले से ही आपने चैनल की लेंथ डिसाइड कर रखी है। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं लैम्डा डैश
डिवाइड बाय एल एक नया कांस्टेंट दैट इज लैम्डा. सो वी कैन राइट इट 1/2 के डैश एन डब्ल्यू बाय एल 1 प्लस लैम्डा वी डी एस इंटू वी जी एस माइनस वी टी स्क्वायर. सो ये आपका ड्रेन करंट आ गया. अब देखिए, जब हमने ये फैक्टर कंसीडर किया, जब हमने डेल्टा एल इंट्रोड्यूस किया, हमने कहा कि वी डी एस इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी की जो कंडीशन हम सेचुरेशन की ले रहे थे उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो हमने यहाँ ये देखा कि आपका जो ड्रेन करंट है वो वी जी एस माइनस वी टी पे भी डिपेंडेंट है और वो 1 प्लस लैम्डा वी डी एस से भी इफेक्टेड है. तो ये वी डी एस भी है जो ड्रेन करंट पे इफेक्ट डाल रहा है. यानी अगर आप वी डी एस की वैल्यू चेंज करेंगे तो आई डी पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके, सो जो भी हम कह रहे थे कि आपका जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, जो हमने आईडी और वीडीएस के बीच में कर्व जो ड्रॉ किए थे और हमने कहा था कि ये ट्रायड रीजन कर्व के साथ सैचुरेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करता है. ओके, क्लियर. तो अगर हम नेक्स्ट, अगर हम कोई कर्व ये ड्रॉ कर रहे हैं, सो वो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज होगा. ओके, सो ये कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी थोड़ा टेढ़ा हो गया था इस तरीके से. सो दिस इज वी डी एस एंड दिस इज आई डी. तो ऐसा होता है. क्लियर. सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने क्या किया. हमने पूरा ड्राइव किया, ये फैक्टर जो डेल्टा एल था उसको कंसीडर किया, या थोड़ी सी मैथ्स लगाई, मैनिपुलेट किया और लास्ट में ये शो किया आपको कि जो आपका जो ड्रेन करंट है वो वी डी एस पे भी डिपेंडेंट होता है. क्लियर. अब देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए आप, आई डी करंट की वैल्यू ज़ीरो कब होगी. आई डी करंट की वैल्यू ज़ीरो कब होगी. सो अगर आई डी करंट की वैल्यू जीरो, तो 1 प्लस लैम्डा वी डी एस को अगर हम सॉल्व करें, सिंपल, अगर 1 प्लस लैम्डा वी डी एस जीरो है, अगर ये टर्म जीरो है तो करंट जीरो हो जाएगा. मीन्स वी डी एस इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1 बाय लैम्डा. वी डी एस इक्वल टू माइनस 1 बाय लैम्डा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. क्लियर. इस कंडीशन में आपका जो ड्रेन करंट है वो क्या होगा, जीरो. क्लियर. तो देखिएगा, अब देखिए, एक कर्व ड्रॉ करते हैं हम आईडी और वीडीएस के बीच में. सो दिस इज वीडीएस, दिस इज आईडी. वीडीएस की वैल्यू माइनस 1 बाई लैम्डा पे, तो VDS इस एक्सिस में नेगेटिव होगा क्योंकि इस एक्सिस में पॉजिटिव है. वैल्यू क्या है, 1 बाय लैम्डा. क्लियर. तो ये वो पोटेंशियल है या VDS की वो वैल्यू है जहां पे करंट की वैल्यू क्या है, जीरो. तो इसका मतलब ये सारे कर्व जो भी हम ड्रॉ करेंगे सैचुरेशन के लिए, अगर हम इन्हें पीछे को ड्रॉ करें तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कट करेंगे. तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हम बीजेटी में भी ऐसा ही कुछ पढ़ चुके हैं और उसको हम बोलते हैं अर्ली वोल्टेज, अर्ली इफेक्ट. वहां भी हमने सारे कर्व्स को पीछे को ड्रॉ किया था, तो हमें एक ओके. सो ये वो वोल्टेज है और इस वोल्टेज का नाम है वी ए, से हम इसे नोटेट करेंगे
VDS नेगेटिव है तो ये जो वैल्यू होती है VA आपकी ये पॉजिटिव होती है, ओके फॉर NMOS, सो VA इज पॉजिटिव, तो VA इज पॉजिटिव फॉर NMOS, ओके क्योंकि आपने ये NMOS का कर्व ड्रॉ किया, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली जब भी आप इन स्ट्रेट लाइंस को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे तो ये VDS के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा जिसको आपने नाम दिया VA, जो कि है आपका अर्ली वोल्टेज। अर्ली वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड इट इज इक्वल टू 1/λ। तो ये भी एक प्रोसेस पैरामीटर है, टेक्नोलॉजी पैरामीटर है, जिसका डायमेंशन होता है सो VA इज प्रोसेस पैरामीटर, पैरामीटर और जिसका डायमेंशन होता है वोल्ट। क्लियर, तो लैम्डा मैंने आपको भी सिखाया था, मैंने आपको समझाया था लैम्डा एक प्रोसेस पैरामीटर है, इसके डायमेंशन कितनी होती है 1/V। सो सिंपल लैम्डा की जगह आप 1/V रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा V, तो VA का जो प्रोसेस जो डायमेंशन है दैट इज V वोल्टेज। क्लियर, क्योंकि ये 1/λ, सो इसीलिए लैम्डा का जो डायमेंशन होता है वो 1/V होता है, ओके सो ये चीज रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर कि सैचुरेशन रीजन में जो आपका ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपकी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज चेंज हो रही है, अगर आपकी डेल्टा VDS है तो डेफिनेटली डेल्टा ID होगा, यानी VDS में अगर चेंज हो रहा है तो ID में भी चेंज होगा। और इसी वजह से जो आपका जो हम ID पहले बोल रहे थे कि जो आपका करंट सोर्स है वो एक आइडियल करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, बट कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, ओके सो अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कंसीडर करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है R0 से, किससे R0 से, और R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है दिस वोल्टेज दैट इज VA डिवाइड बाय ID ड्रेन करंट। क्लियर, सो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज R0 आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू VA डिवाइड बाय ID, ओके अब जो हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं जिसमें हम गेट टर्मिनल देन सोर्स देन एक सोर्स दैट इज GM VGS VGS, अब यहां पर हम एक रेसिस्टेंस कंसीडर करेंगे दैट इज R0 दैट इज R0। अब ये है हमारा स्मॉल सिग्नल मॉडल, स्मॉल सिग्नल मॉडल बाय कंसीडरिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। सो अगर हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर कर रहे हैं तो आप कई बार न्यूमेरिकल देखेंगे या कुछ कहीं पे भी आपसे अगर पूछा जा रहा है कि मॉडल डिजाइन करिए, तो अगर आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर कर रहे हैं तो आपको R0 कंसीडर करना होगा, अदरवाइज आपको R0 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ओके सो आज के लेक्चर में हमने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझा, हमने रिलेशन फाइंड आउट किया R0 के लिए, ड्राइव करके ये पता लगाया, ये देखा कि जो आपका ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे कैसे डिपेंडेंट होता है, एंड दैट इज डिपेंडेंट बाय अ फैक्टर 1+λ VDS, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू λ·L और λ·का जो डायमेंशन है दैट इज 1/V, ओके
देन हमने अर्ली वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझा और हमने ये एक स्मॉल सिग्नल मॉडल डिजाइन किया बनाया बाय कंसीडरिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ओके सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।